सुदेशना की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मित्रों, हमारा आज का विषय है श्रम। श्रम शरीर का तप और सफलता की कुंजी है। सफलता श्रम और संकल्प के रास्ते से गुजरने वाली एक अनंत यात्रा है। अनंत इसलिए क्योंकि न तो सफलता की कोई सीमा होती है और न ही प्राप्तव्य लक्ष्यों की। मनुष्य के इस अन्नमय कोष अर्थात स्थूल शरीर की संरचना श्रम के लिए, कर्म के लिए ही हुई है। कर्ममय जीवन और पुरुषार्थ श्रम से ही साध्य होते हैं। श्रम मानव जीवन को, मानवीय व्यक्तित्व को सफल बनाने वाला एक अमूल्य साधन है। वैदिक वांग्मय में इसे जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यू के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। समस्त विश्व में श्रम की महत्ता निर्विवाद है। अपने पसीने से इतिहास लिखा है ऐसे कई व्यक्तित्व आज भी जीवंत हैं, बावजूद इसके कि वे अब इस दुनिया में स्थूल शरीर से नहीं है। उनका पुण्य शरीर सदैव स्मरण किया जाता है। इसलिए श्रम की महत्ता को आप समझिए। जहां तक भारतवर्ष की बात है, भारतवर्ष के वैदिक वांग्मय की, औपनिषदिक मनीषा की, तो हम स्मरण करेंगे ऋषि अगस्त्य की पत्नी ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा की। पति और परिवार के लिए सूर्य की प्रथम किरण से रात्रि की निस्तब्धता तक निःशब्द भाव से श्रम करती हुई लोपामुद्रा और उनका श्रममय जीवन प्रत्येक भारतीय स्त्री रत्न के लिए एक आदर्श बन गया। हम अतीत में लोपामुद्रा के दृष्टांत का जब अध्ययन करेंगे तो कमोवेश हमें अपने घर, परिवार, समाज और भारतवर्ष के एक एक घर की स्त्री का स्मरण हो आएगा। लोपामुद्रा अगस्त पत्नी का वह आदर्श आज भी प्रत्येक स्त्री शक्ति, भारतीय स्त्री शक्ति का आदर्श है। सुदेशना की ओर से भारत की प्रत्येक स्त्री को शत शत नमन। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। श्रम के आज के संदर्भ को विस्तारित करते हुए हम अथर्ववेद का स्मरण करना चाहेंगे। श्रमेण लोकांस तपसा प्यपर्ति, अर्थात ब्रह्मचारी अपने श्रम रूपी तप से लोकों को पूर्ण करता है। श्रम से संसार के समस्त अभाव, दुख, दैन्य दूर होकर प्रसन्नता, पूर्णता और समृद्धि मिलती है। दोस्तों, चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक, कभी पीछे ना हटिए, क्योंकि श्रम में ही सौंदर्य है, श्रम में ही शिवत्व है। भगवान शिव के श्रम बिंदु से ही पुण्य सलिला कलकल निनादनी मां नर्मदा का प्राकट हुआ, उनका प्रवाह हुआ। अमरकंटक से, आम्रकूट पर्वत से, शिव के स्वेद बिंदु से, स्वेदोद्भवा शिव तनिया कलकल निनादनी मेखला पुण्य सलिला नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बन गई, जबलपुर का सबसे बड़ा गौरव बन गई। ऊर्ध्वमुखी नर्मदा नदियों के बिरादरी के कानून को तोड़कर प्रवाहित होती हुई नर्मदा, कुंडलिनी जागरण की प्रतीक नर्मदा, ऊर्ध्वमुखी नर्मदा। मां नर्मदा अनेक धर्म कर्म दे, सुरेंद्र हर्ष संप्रदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ग्रामे वा अरण्य पुण्या सदा नर्मदा, गांव हो या जंगल सर्वत्र पुण्यशीला नर्मदा। तो श्रम मां नर्मदा का, शिव के श्रम से, उनके पसीने से, स्वेद बिंदु से उद्भूत मां नर्मदा अमरकंटक से प्रवाहित होकर जबलपुर शहर के वे विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का सृजन करते हुए, संगमरमरी भेड़ाघाट से होते हुए
प्रवाहित होकर अपने मूल लक्ष्य खंबात की खाड़ी की ओर कर्मठता से गतिमान मां नर्मदा, श्रम का संदेश देती मां नर्मदा, अविचल भाव से अनवरत प्रवाहित प्रवाहशील नर्मदा। तो मां नर्मदा का व्यक्तित्व और कृतित्व भी श्रम का संदेश देता है, और सुदेशना की पाठशाला भी आज श्रम के विषय को विवेचित कर रही है। मित्रों, आप श्रम करते हुए लक्ष्य तक पहुंचिए। आप जो करना चाहते हैं उसी पर शरीर, मन और बुद्धि से केंद्रित रहिए। उससे हटने पर आपकी दिशा बदल जाएगी और आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। श्रम के बिना संपदा, आत्मा के बिना आनंद और मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र के बिना ज्ञान जघन्य अपराध है। आपके लिए यही आह्वान कि आप श्रम से, अपने पसीने की बूंदों से अपना व्यक्तित्व लिखिए, अपना कृतित्व लिखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुदेशना प्रणाम, सफलम भवतु। बने रहिए सुदेशना की पाठशाला के साथ। अगले सत्र में हम श्रम को लेकर के और मूलभूत बातें करेंगे। सुदेशना है जहां, प्रसन्नता है वहां। सुदेशना है जहां, प्रसन्नता है वहां। और जहां भी दिखे अभाव वहां खुशियां बांटना सुदेशना का स्वभाव। सुदेशना का पेज लाइक कीजिए, सुरेंद्र दुबे सुदेशना। और आप इसी तरह से भारतीय वैदिक वांग्मय और प्रनिष्ठिक मनीषा से जुड़े हुए विषयों को स्वयं भी अंगीकार कीजिए। अपने नौनिहालों और नौजवानों को भी इसका संदेश दीजिए। आज भारतवर्ष को इसी तरह के मानव संसाधन की आवश्यकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ी हो। हम जड़ों की ओर लौटने का प्रकल्प लेकर के अनवरत चल रहे हैं। सफलम भवतु, ओम आनंदम। बने रहिए सुदेशना की पाठशाला के साथ।